साथियों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में, लखनऊ के अम्बेडकर पार्क के जस्ट सामने। आदि अम्बेडकर फाउंडेशन का इंस्टॉल लगाए आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक, इस इंस्टॉल के आयोजक अमित नयाब से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मन में रहा उनके जो इस तरह का इंस्टॉल लगाते हैं, क्या मन में रहा? देखिए, इंस्टॉल तो एक जैसे सभी लोग फेस्टिवल मनाते हैं और उसी तरीके से ये हमारा महापर्व है, तो उसी के इसलिए स्टॉल लगाया है यहाँ पर। और एक हमारा यहाँ से हम संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो एकता दिखाई देती है, हम चाहते तो अपने आसपास के ज़िलों या एरिया में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें एकता दिखानी है, बहुजन समाज की एकता। इसीलिए हम लोग हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर लगाया है और आगे भी लगाते रहेंगे हम लोग। लोग जो है 14 अप्रैल को ही टोटली करते हैं, उसके बाद बाबा साहब के मिशन को भूल जाते हैं। नहीं, ये तो सही बात है। आज मैंने भी यहाँ पे देखा कि यहाँ से कई लोग ऐसे गए और सिर्फ फोटो खिंचाया यहाँ पर आकर, और उसके बाद वो जाकर जो है शायद उनको ना याद करते हों, लेकिन आज के दिन उनको ज़्यादा याद करते हैं। और ये बहुत मतलब सोचने की बात है। और आपको हमेशा जो है बाबा साहब की जो विचारधारा है वो पूरे साल में लोगों के अंदर जगानी चाहिए और जागरूक करते रहने चाहिए। आदि अम्बेडकर बुद्धिस्ट जो फाउंडेशन आपका है, क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा संकल्प शिक्षा ही एकमात्र विकल्प। हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं और शिक्षा ही एक ऐसा विकल्प है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बाकी और कोई चारा हमारे पास नहीं है आगे बढ़ने का। कब से इंस्टॉल यहाँ पे लगा रहे हैं? ये हम लोग आज 8वां साल है ना जो हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, 8 साल हो गए हैं हम लोग के। पिछले 2 साल में हम लोग कोरोना की वजह से नहीं लगा पाए थे, लेकिन अब आगे भी इसको जारी रखा रखते हैं। तभी इसकी मैनेजमेंट कहाँ से? मैनेजमेंट हमारी टीम जो है, आपस में हम लोग एक कंट्रीब्यूट करके मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। यहाँ पे कितने लोगों की भीड़ हुई है तब भी? मुझे तो लगता है कि अरे लाखों में तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये हज़ारों में भीड़ हो गई होगी, मतलब 50-60 हज़ार से ज़्यादा जो आदमी है वो यहाँ पर होगा। और भी साथी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अम्बेडकर जयंती के इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुजन आज जो यहाँ पर एकत्र होकर के एक अच्छा संदेश देता है कि हम बाबा साहब को इतना मानते हैं, तो आने वाले दिनों में भी जो बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया है, उस अधिकार को सही से उपयोग करके अच्छी गवर्नमेंट लाने का काम करें, ताकि बहुजनों के लिए जो बहुत सी स्कीमें आज बंद कर दी गई उनको दोबारा पुनः चालू किया जा सके। वर्तमान में बहुजन समाज की राजनीति को देखकर क्या लग रहा है, बहुजन सत्ता आएगा या नहीं? वर्तमान की सत्ता देखते हुए लगता है कि जिस प्रकार से अभी हाल के चुनाव में जो संघर्ष देखा गया है बहुजन पार्टियों का, लगता है कि बहुत ज़्यादा और मुश्किल दौर आने वाला है। और मैं यही कहूँगा कि जो छोटे छोटे दलों में बटे हुए हैं उनको एक दल करके यूनाइट होकर के अगर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुजन सत्ता फिर से हासिल कर सकते हैं। तो इस स्टॉल पे क्या मैनिफेस्ट थे, क्या कर रहे थे, क्या किस लिए लगा था? यहाँ पे हम शिक्षा का संदेश देना चाह रहे थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, और मैंने एक पंपलेट भी बनाया है। इससे पूर्व में हम लोग 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हम लोग बस्तियों में घूमे हैं और 14 अप्रैल की जो जयंती के बारे में लोगों को जागरूक किया है कि अपने घरों में झालर लगाएं, दिए जलाएं और अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, नए कपड़े पहनाएं, और यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं हम लोग। तो जिस तरह से यहाँ पे लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है, इस भीड़ को लेकर क्या कहेंगे आज बाबा साहब की जयंती? मैं आज लाखों की भीड़ है, मैं चाहूँगा ये भीड़ हमेशा बढ़ती रहे, और जो भीड़ दिखनी चाहिए 2 सालों में कोरोना के कारण नहीं दिख पाए, आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि काफ़ी 60-70 हज़ार की संख्या में भीड़ है, और मैं ये भीड़ चाहूँगा ये संख्या हर साल बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे जो है आदि अम्बेडकर फाउंडेशन के द्वारा जो अमित नयाब आयोजक थे उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि मुख्य रूप से बहुजन समाज को जो है शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए।